अब आपको बताएं, ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोए-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात कहना है कि आज चांद नजर आने का कुवी इम्कान है। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 20 अगस्त बुध को होगी। तफसलात जानेंगे शब्बीर हैदर जफर से। शब्बीर बताएगा, आज इजलास होने जा रहा है रोए-ए-हिलाल कमेटी का। ज़िलहज का चांद देखने के लिए आज मरकजी रोए-ए-हिलाल कमेटी का इजलास होगा, जिसमें महकमा मौसमियात के मुताबिक उनका कहना है कि ये आज जो चांद है वो नजर आने के भी इम्कान भी है। तो इसलिए जो चांद की रोए-ए-हिलाल का जो असमी ऐलान है वो मरकजी रोए-ए-हिलाल कमेटी की शासों पर जायजा लेने के बाद किया जाएगा। अगर इसमें ये चांद आज अगर नजर आ जाता है तो ये ईद-उल-अज़हा जो 22 अगस्त बरोज बुध को होगी, जबकि अगर आज चांद दिखाई नहीं देता और उसका आज ऐलान नहीं किया जाता तो फिर ये जो ईद-उल-अज़हा जो वो 23 अगस्त बरोज जुमेरात को मनाई जाएगी। जबकि इस हवाले से आज का जो फैसला है वो आज मरकज रोए-ए-हिलाल कमेटी के अजलास के बाद किया जाएगा। जी शब्बीर हैदर बताइएगा, कितनी चांसेस है कि आज चांद नजर आ जाएगा? महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि क्या मतलब साफ होगा कि चांद आसानी से नजर आ सके? जी महकमा मौसमियात के मुताबिक है कि आज चांद नजर आने के कभी इम्कान भी है। महकमा जो मौसम है वो साफ क्लियर होगा, उसके मुताबिक उनका यही कहना है कि जो रोए-ए-हिलाल कमेटी है वो चांद को देख भी सकता है। हर कोई इस आज जो चांद है वो चांद को देखता है, पाकिस्तानी भी, उसको भी कोशिश है। उनका यही कहना है कि अगर नजर आने का जो कभी इम्कान तो है, मगर उनका ये कहना है कि ये आज देखा जाएगा कि जब रोए-ए-हिलाल कमेटी का इजलास होगा उसके मुताबिक अगर चांद आज दिखाई देता है तो उसके बाद उसका ऐलान भी किया जाएगा। मैं शुक्रिया शब्बीर हैदर आपका।